आज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। पीएम मोदी से करेंगे वार्ता। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भी लेंगे भाग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह आज 25वीं बटालियन एसएसबी के 56वें स्थापना दिवस परेड की करेंगे अध्यक्षता। न्यू इकोनॉमी के जानकारों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली प्री बजट मीटिंग आज। इंडस्ट्री चैम्बर के साथ करेंगी बैठक। सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस, निजी निवेश पर असर डालने वाली नियामकीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी निर्यात, निवेश और ग्रोथ में रिवाइवल जैसे कई अहम मसलों पर मंगाए सुझाव। आज अमेठी आएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति गौरीगंज के असैदापुर में निर्मित रैन बसेरा व शाहगढ़ में किसान कल्याण केंद्र का करेंगी लोकार्पण। वृहद ऋण वितरण शिविर का भी करेंगी उद्घाटन। कैब और एनआरसी के विरोध में वाम दलों का देशव्यापी प्रदर्शन आज। माकपा और भाकपा सहित अन्य सभी वाम दलों ने सीएबी और एनआरसी के विरोध में साझा प्रदर्शन का किया आह्वान। नागरिकता कानून के विरोध में आज और 21 दिसंबर को विपक्ष ने बुलाया बिहार बंद। पप्पू यादव हुए हाउस अरेस्ट। रिलीज से पहले हाईकोर्ट पहुंची फिल्म तानाजी, आज होगी सुनवाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय कोली राजपूत संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। फिल्म के निर्देशक पर है आरोप। कहानी में तानाजी मालूसरे के असली वंश को छुपाया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। किसानों की बदहाली सहित अन्य कई अहम मुद्दों को लेकर होगा प्रदर्शन। सभी मंडलायुक्त कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन का किया गया ऐलान। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जिला इकाइयों को भी धरना प्रदर्शन में पूरी ताकत जुटाने के दिए निर्देश। आईपीएल 2020 की नीलामी आज। कोलकाता में लगाई जाएगी बोली। कई देशों के 997 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, सिर्फ 332 क्रिकेटर्स को किया गया शॉर्टलिस्ट। 186 क्रिकेटर्स भारत के जबकि 143 विदेशी। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को किंग्स इलेवन पंजाब टीम का बनाया जा सकता है कप्तान। पंजाब की टीम ने पिछले 2 साल से कप्तानी कर रहे आर अश्विन को दिल्ली कैपिटल के साथ ट्रेड कर दिया है। अब नए कप्तान की तलाश में है किंग्स इलेवन पंजाब। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।